परेश धीरू भाई पटेल, हस्बैंड। इतनी हंसी क्यों आ रही है? वो जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे ही गम की हंसी होती है जोधा जी। जोधा नहीं, डोडा। ओए ओए, सॉरी सॉरी। नहीं ओ, क्या हुआ? वो राइमिंग सेम हो गई ना, तो इसके लिए कंफ्यूज हो गया थोड़ा मैं। मैरिज इंस्पेक्टर को देख के घबरा रहे हो, इसका मतलब बीवी को खुश नहीं रखते, मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं 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 नहीं, ये दाढ़ी तो मैं कभी रखता ही नहीं हूँ, बचपन से एकदम क्लीन शेव। तो तिनका का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना, जस्ट लाइक अ जेंटलमैन। और जिसका हस्बैंड जेंटलमैन हो उसकी बीवी तो कभी दुखी हो ही नहीं सकती है ना। क्यों दीपमला बेबी, देखो लग रही है ना खुश है? आई सेड नो, जेंटलमैन हस्बैंड और जेंटलमैन। या माय फुट। या जेंटलमैन का मीनिंग फुट होता है? नहीं नहीं बेबी, जेंटलमैन नहीं, एक बीवी के लिए हस्बैंड का मतलब माय फुट होता है। वो क्या है, अभी बेबी इंग्लिश सीख रही है तो अभी पाव तक पहुंची नहीं है। यस यस दीपमाला, इंग्लिश स्पीकिंग, यू आर ड्रेस वेरी गुड। क्या बात है? क्या बात है कि आपको इतना पसीना आ रहा है? ओ, एसी नहीं चल रहा? वो क्या है, मैंने अगर एसी लगा डाला ना तो पापा मेरी एसी की तैसी कड़ा लेंगे, पक्का भी दिन में 4 बार ही चलाने को मिलता है। आप मुझे एसी नजरों से क्यों देख रही है? मेरा नाम करण है। ये क्या सिस्टम है? मेरा नाम नैनो है। मामा गीतू, क्या हो? क्या हुआ? मुझे फोन करना था। फोन हाँ, तो फिर आप अपने फोन से फोन करो ना, इसमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है ना मामा? नहीं नहीं मेरा वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया ना, दो मेरा दो। ये तुम अपने फोन में लॉक कब से रखना रखा है? कब से लॉक? कब से क्या? तुम्हें फोन करना है ना, तुम फोन करो, मैं तुम्हें पासवर्ड बता देता हूँ। तुम्हारा नाम है गीतू? नहीं नहीं ठीक है, तुम बाहर गए थे तो तुम्हारा फोन इंगेज आ रहा था, किससे बात कर रहे थे तुम? किससे बात कर रहा था? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहा था? नवीन हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे कर भाव पर से बेटा, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? किससे बात कर रहे थे तुम? अरे यार ये सुलगना के तो फोन कॉल ही भारी पड़ गए, उससे मिलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। नवीन मैं तुमसे पूछ रही हूँ किससे बात कर रहे थे? बॉस, बॉस, बॉस का फोन था तो बॉस से ही बात कर रहा था। फिर झूठ। अरे किसका फोन बज रहा है? अरे तुम्हारा फोन बज रहा है। मेरा फोन? किसका फोन है? अब दिखाओ इधर, दिखाओ। अरे वो मैं बॉस कॉलिंग। क्या करूं
इससे पहले कि गीतू फोन पे सुलगना कॉलिंग देखे, सुलगना का नंबर बॉस के नाम पे रखता हूँ। हाय बॉस। नैनो, ये क्या बॉस बॉस लगाया हुआ है तुमने? ओह, समझ गई, जरूर गीतांजलि तुम्हारे पास खड़ी है ना? बिल्कुल सही बॉस। अच्छा वो सब छोड़ो, जल्दी से बिल्डिंग के नीचे आ जाओ, मैं यहाँ आ गई हूँ। क्या अब बॉस आप सच कह रहे हैं? मुझे लगा तुम तो आ नहीं पा रहे, तो मैं ही आ जाती हूँ तुमसे मिलने। वाह बॉस, वेरी गुड। लेकिन बॉस आपने तकलीफ क्यों की? मुझे कहा होता मैं खुद आ जाता। ओह ये। पर बॉस वो आज जो हमारी शाम की मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो गई ना। कितना ड्रामा करोगे अपनी बीवी के सामने। चलो अब फोन रखो और जल्दी से नीचे आ जाओ। ओके बॉस। अब तो यकीन हो गया, बॉस से ही मिलना था। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूं बॉस से मिलके। माला वो शक्कर खत्म हो गई थी। हाँ बापूजी। तो पड़ोसी के पास से ले आई? अपनी बहू को पड़ोसी के यहाँ भेज के शक्कर मंगवाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, नमक भी मंगवाता हूँ। दीपमाला बीबी, मैंने मना किया था पापा को बाहर निकलने के लिए। पापा, ये आप किसके सामने बोल रहे हैं? ये अपने वो बहू के मुस्कान वाली है। मुस्कान? मुस्कान वाली। हाँ तो हमें क्या टेंशन है, हमारी बहू तो मुस्कुराती है हमेशा। मुस्कुराती है बीबी, इनके लिए चाय लेके आओ। अपनी बीवी पर हुकुम चलाते हो? दीपमाला बीबी, इनके लिए चाय लेके आओ, ऐसा तुम मुझे बोलना भूल गई। मैं लेके आता हूँ चाय, मैं जाता हूँ। बोलो पापा। सुन, आधा कपी चाय ले आना। लेकिन शक्कर, शक्कर तो खत्म हो गई है। है परे, शक्कर की छोड़ो, दूध भी खत्म हो गया है। मत करो, मैं मैनेज कर दूंगा। हाँ। ये खुसर फुसर क्या चल रहा है? कहीं बहू पे दबाव डालने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो आपके लिए स्पेशल चाय बनाने की रेसिपी पूछ रहा था बेबी को। हाँ, फिर उसमें ना चाय की पत्ती और इलायची डालना। हाँ, आता हूँ मैं अभी, आता हूँ। अरे तुम क्या कर रही हो, तुम मरवाओगी यार, तुम्हें बिल्डिंग माने क्या जरूरत थी? तुम तो आते ही डांटने लगे। सॉरी, तुम एक काम करो, तुम ये गॉगल्स ओढ़ लो और ये स्कार्फ पहन लो। हाँ? ये स्कार्फ ओढ़ लो और ये गॉगल्स पहन लो। पर क्यों? वो क्या ना, गलती से अगर गीतू को पता चल गया ना तो मेरी खैर। लेकिन तुम इसे बता क्यों नहीं देते? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है,
और आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा ना। अरे जब पता चलेगा तो पता चलेगा, फिलहाल उसे इन सब चीजों से बाहर रखे तो ही अच्छा है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो, तुम बताओ। तुम लॉयर से कब मिल रहे हो? अरे बताया ना, वो कल आएगा। तुम टेंशन मत लो, मैं सब दही कर दूंगा। सही कर दूंगा। थैंक यू नानो, तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या करती। थैंक यू सो मच। और अगर गीतांजलि नहीं होती ना तो मैं उसी वक्त तुमसे शादी कर लेती। आए नानो, स्क्वैश खेलने आ रहा है ना? मैं निकलता हूँ, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, ठीक है? लीजिए चाय आ गई। थैंक यू परेश। हाय हाय बापूजी, चाय की पत्ती। वो तो मैं भूल ही गया। एक, दो, तीन। इससे चाय में रंग तो आया नहीं है ना? ये क्या रंग? अच्छा अच्छा, अंदर वाला। मैंने कहा था पिछले 6 महीने से कलर ही नहीं आ रहा है। नहीं वो क्या है ना फोड़ा जी, फोड़ा नहीं तोड़ा। वो भी वो क्या है ना, लोग ग्रीन टी पीते हैं, हम ट्रांसपेरेंट टी पीते हैं। आप लीजिए ना, ये वो बिस्किट लीजिए ना। बिस्किट है ना, वो चाय में डुबो के खाने का मजा ही कुछ और है। लीजिए। आप समझी में ऐसे नहीं, ये जो है ऐसे। जो इंसान अपने मेहमान का बिस्किट खा जाए वो अपनी बहू को क्या खिलाता होगा? कंजूस मक्खी चूस की उपाधि भी तुम्हारे सामने शर्मा जाए। ऐसे घर में बहू सुखी कैसे रह सकती है? ना तुमने इसे कभी प्यार दिया होगा, ना खुशी और ना ही आराम। क्यों, ठीक कह रही हूं ना मैं? पापा, पापा। दीपमाला, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम मुझे इशारा भी कर सकती हो, उंगली उठा देना या जरा सा खांस देना, मैं समझ जाऊंगी। औरत को दुख सहते मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। बहू की मुस्कान देश की शान। मैं कब से फोन कर रहा हूँ, ये नैनो फोन उठा क्यों नहीं रहा? नैनो तो आपसे मिलने गया था। मुझसे मिलने? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैडम, मैं यूएस में हूँ, वो मुझे कैसे मिल सकता है? ये नैनो भी है ना, मरवा देगा मुझे कभी। और लेडीज क्या चल रहा है? क्या हुआ, फिर से मेरी क्लास लेने की प्लानिंग चल रही है क्या? बॉस नवीन, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? छोड़ो ये सब बातों, मैंने तुम्हें हेयर जेल प्रोजेक्ट के स्टेटस मेल के लिए फोन किया था। रेडी है ना? सेंड मी दैट सून, मैं इंडिया वापस आके तुम्हें मिलता हूँ। ओके? यस बॉस। बाय। तुम तो नीचे गए थे ना अपने बॉस से मिलने नवीन, तो अचानक ये बॉस यूएस कैसे पहुंच गया?
तुमने फिर झूठ बोला? किससे मिलने गए थे जानू, सच बताओ, किससे मिलने गए थे नीचे? कैसे बताऊं किससे मिलने गया था, जाने दो गीतू। बताओ वो गीतू, मैं जाने दो गीतांजलि, जबरदस्ती किसी से सच उगलवाने का कोई मतलब नहीं है। जब इसे शर्म आएगी ये खुद ही आके सच बता देगा। मामा वो कोई जरूरत नहीं है, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक तुम खुद आके मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गीतांजलि, गीतांजलि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि नवीन आकर हमें सच जरूर बताएगा। सच? आई होप सो मम्मा। जी हाँ, कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार से पाला पोसा है अपने बच्चों को, थोड़ा सा डांट फटकार करके रखते ना तो शायद आज ऐसा नहीं होता। लेकिन हुआ क्या? हमारे बेटे ने झूठ बोला है। क्या? नानू ने तुमसे झूठ बोला? मुझसे नहीं, अपनी पत्नी से। लो, इतनी सी बात। इतनी सी बात? इतनी सी बात है ये? हाँ गंगा, बीवियों के साथ अक्सर पति छोटा मोटा झूठ बोल लेते हैं, ये चलता रहता है पति पत्नियों के बीच। तुम भी? नो, I am an exception, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। और नैनो ने अगर छोटा सा झूठ बोल दिया है तो इसमें इतना रिएक्ट होने की क्या जरूरत है? इंदर, नवीन ने झूठ बोला है, झूठ, और तुम उसका साथ दे रहे हो? गंगा, अब कोई ना कोई वजह जरूर होगी इसलिए नवीन ने झूठ बोला होगा। कोई बड़ा झगड़ा बचाने के लिए छोटा मोटा झूठ बोल लेते हैं लोग, तो उसको हेल्दी लाई बोलते हैं गंगा। हेल्दी लाई? लाई कभी हेल्दी नहीं हो सकता, झूठ झूठ होता है। ओके इंदर, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं। लो, अब इसमें इतना रूठने की क्या जरूरत है? गंगा तुम खुद ही सोच लो ना, अगर पति शाम को थका हारा घर लौटता है तो बीवी कहती है लो मैंने आपके लिए गाजर हलवा बनाया, जरा चख के बताइए कैसा हुआ है, सच सच बताना, तो पति बेचारा कह देता है थोड़ा मीठा ज्यादा हुआ है, बस अगले 3 दिन तक फीकी चाय पीनी पड़ती है और डांट अलग से। पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बाजार जाना पड़ता है, गाजर खरीदने पड़ते हैं, छीलने पड़ते हैं, पिंटो पकाने पड़ते हैं। पति बेचारा सोचता है कि बाजार जाने की क्या जरूरत थी, अरे ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती, तो पत्नी और गुस्सा हो जाती है, कहती है हाँ 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 मिसेस शर्मा के यहाँ से जब सब्जी आती है तो कटोरी चाट जाते हो, तो अब जाओ उन्हीं के घर पे जाओ और गाजर का हलवा खा लो। बेचारा पति सोचता है मैंने कब कहा था तुम्हें गाजर हलवा बनाने के लिए, तो इतना सारा बखेड़ा खड़ा करने से अच्छा है कि इसको झूठ ही थोड़ा सा बोल देते और बोल देता है वाह डार्लिंग क्या बात है, क्या गाजर का हलवा बनाया है, तो ना ही ये महाभारत शुरू होती है और ना ही मिसेस शर्मा को लेके ताने सुनने पड़ते। अब बताओ इतना सा झूठ तो ओके है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे घर गृहस्थी शांति से चलाए उसे कहते हैं हेल्दी लाए। वाह, ये तो राइम भी हो गया। सच मतलब एक एक शब्द इनके दिल से निकला है। लेकिन मैं इस मामले में लकी था। गंगा तुम उन चंद बीवियों में से थी जो फिजूल की झगड़ती नहीं थी, मुझे तो कभी झूठ बोलना ही नहीं पड़ा था। पापा? अरे नितिका, आपने दवाई खा ली? हाँ हाँ खा ली। गुड, कल भी खाई थी? हाँ। रोज खाते हो? अरे मैं सांस लेना भूल सकता हूँ लेकिन दवाई खाना कभी नहीं भूल सकता। सच बोल रहे हो? गंगा तुम तो जानती हो कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। तभी कहूँ झूठ की इतनी वकालत क्यों कर रहे थे।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.